हेलो गाइस, कैसे हैं सब लोग? आई होप अच्छे होंगे। और आज के इस वीडियो में देखने वाले हैं, देखिए आज हम देखेंगे जो भी बीएससी थर्ड ईयर में है, जूलॉजी का फर्स्ट पेपर हम बताने वाले हैं, जो 2021 के इम्प्रूवमेंट एग्जाम या फिर बैक पेपर जिसने भी डाला है इम्प्रूवमेंट एग्जाम के लिए। और डेट भी अभी आ चुकी है, एमजीपीआरई रोहिलखंड की भी आ गई है, और या फिर आप वीर बहादुर स्वरूप पूर्वांचल यूनिवर्सिटी है तो उसके भी एग्जाम स्टार्ट हो गए हैं। तो सभी छात्र जो भी जिसके यूनिवर्सिटी के जो भी यूनिवर्सिटी से जैसे कि एमसीक्यू क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, किसी यूनिवर्सिटी में एमसीक्यू क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, ठीक है, तो एमसीक्यू क्वेश्चनों की पीडीएफ हमने पीडीएफ का जो लिंक है वो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। पीडीएफ का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, जाके डाउनलोड कर सकते हैं उन पीडीएफ को और अच्छी तरीके से तैयारी कर सकते हैं, ठीक है। वहां से बाहर कुछ नहीं जाएगा, आप अच्छे नंबर ला सकते हैं उसको याद करके। और आज के इस वीडियो में सिर्फ हम रिटन एग्जाम जो छात्र हैं उनके लिए इंपोर्टेंट क्वेश्चन देंगे कि जो आपका रिटन परीक्षा होने वाली है उसमें आप कौन कौन से क्वेश्चनों को याद करके जाएंगे। देखिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, अपने बुक नोट्स जो भी गेस्ट पेपर है उस पर टिक लगाइए, आपको ये पढ़ना है, लास्ट टाइमिंग में ये पढ़ के जाना है, ठीक है। बाकी आप जो पढ़ रहे हैं मुझे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जो मैं बोल रहा हूँ इसको आपको ध्यान से देख रहे हैं। और मैं आपसे वादा करता हूं कि यहां से 85% आपको देखने को मिलेगा एग्जाम में, 85% का वादा कर रहा हूं आपसे। देखिए चूहे के प्रकार को याद कर लेना मोस्ट इंपोर्टेंट रहेगा, ठीक है। फिलपाव रोग क्या होता है और ये किस परजीवी के द्वारा होता है, फिलपाव रोग क्या होता है, ये किस परजीवी के कारण होता है, उसकी लाइफ साइकिल के बारे में, जीवन चक्र के बारे में आपको देख लेना है, मोस्ट इंपोर्टेंट है, ठीक है। और देखो ये होता है जियोडिया, याद रखना ये जियोडिया होती है, ठीक है। जियोडिया की संरचना और उनके जीवन चक्र और उनसे कौन कौन से रोग हो जाते हैं ये आप देखेंगे। ट्रेपनोसोमा की संरचना उसके लाइफ साइकिल के बारे में याद करेंगे। रेड डाटा बुक क्या होती है इसको आप याद करेंगे, ठीक है। और डीमक क्या होती है, डीमक को याद करेंगे, उसको नियंत्रण के तरीके किस प्रकार से नियंत्रण किया जा सकता है। तो और देखो परजीविता किसे कहते हैं और उनसे रोग कौन कौन से हो जाते हैं, तो मैंने अभी आपको बताया था। देखो ये देखो परजीवी जो होते हैं इनके लाइफ साइकिल, जैसे फिलपाव रोग हो जाता है तो आप यहाँ पढ़ लेंगे तो इसको आप पूरा मेंशन यही कर देंगे, ठीक है, ओके। तो यहां से कुछ नहीं है। और बाकी आप जानते हैं जब कीट नियंत्रण है उसको कीटनाशक का, देखो कीटनाशक क्या होते हैं, कीटनाशक के बारे में आप देखेंगे। तो धान के अंदर जो पीड़क कीट लगते हैं उनके निवारण के लिए कीटनाशक का यूज किया जाता है, ठीक है, जो कीड़ों को मारने के लिए, तो उसको बारे में आप देखेंगे अच्छे तरीके से याद करेंगे। मत्स्य पालन आप याद करेंगे और कुकर पालन आप देख लेंगे, कुकुट जिसे बोलते हैं, मुर्गी पालन से बोलते हैं वो आप देखेंगे। रेशम उद्योग के बारे में वर्णन देख लेना है, और मधु मधु जानते हो, हनी जिसे कहते हैं, मधुमक्खी, उसके उस पर टिप्पणी लिखना है, ठीक है। और उसके बाद में आप ज्यादा मधुमक्खी पर आपको पूरे मधुमक्खी पालन किस प्रकार से होता है वो पूरा आप लिखेंगे यहाँ, ठीक है। एक आता था लाख कीट किसे कहते हैं, लाख कीट, ठीक है, वो आप देख लेंगे। परजीविता आप देख लेंगे, परजीविता पर एक छोटी सी टिप्पणी देख लेंगे, परजीविता क्या होती है। और उसके बाद में नीचे जाएंगे और मछलियों के आर्थिक महत्व क्या होते हैं उनके बारे में हम याद करेंगे, ठीक है। कीटनाशक के गुण क्या होते हैं, मैंने आपको ऊपर बताया था कीटनाशक याद कर लेना, तो कीटनाशक के बारे में देखिए गुण उनके प्रकार कितने होते हैं वो आप देख लेंगे। उसके बाद में देखिए जो वन्य जीव संरक्षण होता है उसके महत्व, उनके उपयोग के बारे में याद कर लेना, मोस्ट इंपोर्टेंट है, ठीक है। देखिए जिसका अलग पेपर हो रहा है वो उस प्रकार से याद करिए, और जो एमजीपी रोहिलखंड यूनिवर्सिटी के छात्र हैं उनके लिए हम तीनों पेपर एक साथ बना देंगे, कोई इशू नहीं है, ठीक है। फिलहाल इन क्वेश्चन जो अलग अलग पेपर जैसे यूनिवर्सिटी में, जैसे कि वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल यूनिवर्सिटी में अलग पेपर होगा तो उसके हिसाब से देखिए। राष्ट्रीय गार्डन और बॉटनिकल गार्डन जो होते हैं, ठीक है, नेशनल पार्क वगैरह और नेशनल जो होते हैं जिसे अभयारण्य भी बोला जाता है, ठीक है, तो ये आप दोनों देखेंगे। और भारत में मोती उद्योग के बारे में याद करेंगे, उनका निर्माण कैसे होता है, मोस्ट इंपोर्टेंट है। और देखो हमने ऊपर हनी के बारे में, शहद के बारे में आर्थिक बताया था, शहद के ऊपर टिप्पणी लिखी है, तो यही देखिए आएगा, महत्व के बारे में बात वही है ऊपर हम बता चुके हैं। प्रोजेक्ट बांध क्या होता है, टाइगर प्रोजेक्ट से प्रोजेक्ट टाइगर बोलते हैं, ये आप देखेंगे। वन्य जीवों का संरक्षण मैंने ऊपर बता रखा तो यहाँ याद करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। और रोहू मछली के बारे में पढ़ लेना थोड़ा सा, गन्ने के जो पर्ण संरचना के बारे, रोगों के बारे में, इसको याद करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। और ये वाला आपको देखना पड़ेगा, बायो कह सकते हैं, बायो जो स्पीयर रिजर्व होता है उसमें भारत में कितने हैं वो क्या है, ये आपको उसके बारे में पूरा देखना पड़ेगा, बस इतना आप याद कर लीजिए, ठीक है। और साइनो देखिए ये है राइनोसोरिस प्रोजेक्ट क्या होता है, इसको एक बार पढ़ लेना, जो जो सिंपल पेपर हो रहा है उसकी बात कर रहा हूँ, ठीक है। बाकी एमजीपीआर रोहिलखंड यूनिवर्सिटी के जो छात्र हैं उनके लिए हम स्पेशल तौर पे मैं तीनों पेपर के एक साथ बना दूंगा, कोई इशू नहीं है, क्योंकि उनका 18 तारीख से पेपर है, लेकिन जिसका अलग से पेपर है वो अपना इतना तैयार कर ले तो ये काफी है, यहाँ से इससे बाहर कुछ नहीं जाएगा, आप अच्छे नंबर से पास हो जाओगे, कोई इशू नहीं आने वाला है। और कोई दिक्कत आ रही है कॉमेंट सेक्शन में आप जरूर बताना। आशा करता हूँ वीडियो पसंद आई, उनको सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस करेंगे और ज्यादा से ज्यादा दोस्तों को शेयर करेंगे। थैंक यू, लव यू।